दोस्तों, आपको 1975 में आई फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा तो जरूर याद है। इस गाने में हेलेन तो थी ही, लेकिन इसमें रुबाब बजाते दिखे एक्टर जलाल आगा ने भी सबका ध्यान खींचा था। दोस्तों, आपको पान परा की पुरानी एड तो जरूर याद होगी, जिसमें जलाल आगा है। उसे देखकर हमें आज भी पुराने दिनों की याद आ जाती है। जलाल आगा का फिल्मों से नाता बचपन से ही जुड़ चुका था, क्योंकि इनके पिता आगा 40 और 50 के दशक के बेहतरीन कॉमेडियन थे, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। जलाल आगा के पिता, दोस्तों, अपने नाम का फ़ायदा उठाकर फिल्मों में आसानी से जगह बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने दम पर ही पहचान बनाई। जलाल आगा सपोर्टिंग रोल्स तक ही सिमट कर रह गए, लेकिन नशे में उन्होंने बॉलीवुड में जितना भी नाम किया अपने दम पर किया। सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी इन्होंने अपने टैलेंट के बल पर तारीफें बटोरी। I'm sorry, Julie. हमको तुम पे तरस आता है। दोस्तों, एक किस्सा है जो साल 1950 से 1955 के बीच का है, जब के आशिफ मुगले आजम बना रहे थे। उन्हें फिल्म में सलीम के बचपन का रोल निभाने के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी। उन्होंने इस बात का जिक्र दिलीप कुमार से किया, जो फिल्म में सलीम की भूमिका में थे। दिलीप कुमार को अपने जिगरी दोस्त और कॉमेडियन आगा के बेटे जलाल आगा का ख्याल आया। उन्होंने आगा से मिलकर कहा कि वो उनके बेटे जलाल आगा को फिल्म मुगले आजम में सलीम के बचपन के रोल में देखना चाहते हैं। लेकिन आगा अपने बेटे से इतनी कम उम्र में फिल्मों में काम नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगाए, इसीलिए उन्होंने दिलीप कुमार को मना कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे दोस्तों। वो आगा से छुपकर उनके बेटे को मुगले आजम के सेट पर ले गए और उससे शूटिंग करवाने लगे। जब आगा को ये बात पता चली तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए, लेकिन बेटा जब शूटिंग पर जाता तो वो साये की तरह उसके पीछे लगे रहते थे और सेट पर भी उस पर नज़र रखते थे। जलाल आगा को ये बात नागवार गुजर रही थी, क्योंकि वो अपने रोल पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर जलाल आगा ने डायरेक्टर के आशिफ से शिकायत कर अपने पिता को ही सेट से बाहर निकलवा दिया। बता दें कि इनका जन्म 11 जुलाई 1945 को हुआ था। इनकी माँ का नाम मासूम था। ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे और तीन बहनों के एक भाई थे, इसलिए उन्हें हमेशा बहुत लाड़ प्यार मिला। इनकी पढ़ाई पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई और फिर वो उसके बाद सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़े। पिता उन्हें मुंबई में नहीं पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो वो फिल्मों में काम करने लगेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। जलाल आगा स्टार किड थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का फ़ायदा उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो अपने पिता का नाम इस्तेमाल कर कोई काम नहीं पाना चाहते थे। जब जलाल आगा बड़े हुए तो उन्हें फिल्म फर्ज ऑफर हुई। वो फिल्म में काम करने के लिए मान गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये फिल्म उन्हें पिता की वजह से मिली है, तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उनकी बहन शहनाज ने एक इंटरव्यू में कहा था दोस्तों कि मेरे भाई जलाल और मुझे इस बात से चिढ़ होती थी कि हमें आगा के बच्चे होने की वजह से काम मिल रहा है, क्योंकि हमें लगता था कि जैसे हमारी कोई पहचान ही नहीं है। जलाल आगा की बहन शहनाज भी एक्ट्रेस हुआ करती थी दोस्तों। उन्होंने 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम किया, जिसमें जलाल आगा भी थे। शहनाज की दो बहनें और थीं जो फिल्मों में आना चाहती थीं, लेकिन पिता आगा इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लेकिन शहनाज उन्हें मनाने के बाद फिल्मों में आ गई थी। जलाल आगा ज़्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर बने। उन्हें यादों की बारात में सलीम, फिल्म झूली में रिचर्ड और सबसे ज़्यादा 1975 में आई फिल्म शोले में महबूबा महबूबा गाने के लिए याद किया जाता है। इस गाने में जलाल आगा हेलेन के साथ नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने सात हिंदुस्तानी, थोड़ी सी बेवफाई, दिल आखिर दिल है जैसी फिल्मों में भी इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स निभाए। इन्होंने अपने करियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। इन्होंने डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में भी हाथ आजमाया था। माजा फिल्म नाम से उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, जिसमें उन्होंने कुछ विज्ञापन और टीवी सीरियल्स बनाए। 1987 में प्रसारित हुआ मिस्टर यार मिसिस
और कहकशा भी 1991 में इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनाए थे। जला लाघा की बनाई पहली फिल्म निर्वाण थी। प्रोड्यूसर्स के साथ हुए क्रेडिट विवाद के चलते ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। जला लाघा की बनाई दूसरी फिल्म गूंज थी, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी दोस्तों 1980 के आसपास देश में हुए दंगों पर आधारित थी। फिल्म को क्रिटिकली सराहना तो मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जला लाघा ने 1970 में बॉम्बे टॉकीज, 1982 में गांधी, 1984 में किम और 1984 में ही द डिसीवर्स जैसी इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था। 1979 में उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी द क्रॉसिंग भी साइन की थी, लेकिन ये कभी बन नहीं पाई। जला लाघा की शादी एक मॉडल वैलरी पेरेरा से हुई। इन दोनों के दो बच्चे भी हुए, लेकिन 8 साल बाद यानी 1983 में ये शादी टूट गई। वैलरी ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली और जर्मनी चली गई। बच्चों की कस्टडी भी उनके पास थी, तो उन्हें भी साथ ले गई। जला लाघा को अपने बच्चों से दूर रहना काफ़ी नागवार गुजरा। वो पाए पाए जोड़ते रहे ताकि अपने बच्चों से मिलने के लिए जर्मनी जा पाए। बड़ा होकर उनका बेटा सलीम इंडिया वापस आ गया, जो कि फेमस कुक है और गोवा में नामी रेस्टोरेंट का मालिक है। वहीं बेटी वैनेसा शिकागो में सेटल्ड है। दोस्तों जला लाघा 5 मार्च 1995 को हार्ट अटैक आने से दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। नहीं आंटी, हम इधर ही बाय बाय कर लेगा, क्योंकि हमको स्टेशन पे जुदाई का सीन अच्छा नहीं लगता है। जब उनकी डेथ हुई वो सिर्फ 49 साल के थे। इनकी मौत के बाद इनकी बहन शहनाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मौत से एक दिन पहले ही जला लाघा को मरने का आभास हो गया था। उनकी बहन ने बताया था कि उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कहा था कि 50वें जन्मदिन से चंद दिनों पहले उनके दोस्तों ने उनसे बड़े सेलिब्रेशन की डिमांड की थी। तब जला लाघा ने कहा था कि कल किसने देखा है, पहले कल तो आने दो। इस बात के अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई। उनकी बहन शहनाज ने ये भी खुलासा किया था दोस्तों कि उनके भाई जला लाघा काफ़ी मिलनसार थे। उनके पास इतने ज़्यादा दोस्त थे कि सबके नंबर नोट करने के लिए उनके पास 2 डायरी थी। इनमें एक डायरी में उन दोस्तों के नाम और फ़ोन नंबर थे जो इंडिया से हैं, वहीं दूसरी डायरी में उन्होंने विदेश में रहने वाले दोस्तों के नंबर नोट किए हुए थे। जला लाघा की डेथ के ठीक 3 साल पहले दोस्तों इनके पिता आघा की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।